माता जी मंदिर से पावागढ़ के लिए, और फिर पावागढ़ से चोटीला माता, चोटीला माता से सोमनाथ, सोमनाथ से पोरबंदर, पोरबंदर से द्वारिकाधीश और डाकोर जी के लिए प्रस्थान कर रही है। आप सभी भक्तों का हमारा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप हमारे साथ में सारी भक्त मंडली है, सभी भक्त जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप अपनी यात्रा यहाँ से खंडवा से प्रारंभ हो रही है, और आज शाम को हम शाम को भोजन और जो भी दर्शन है सबसे पहले पावागढ़ का करेंगे। बोल मातंबे मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय, दादाजी धुनी वाले की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा भोलिया, धन गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा भोलिया, नमस्ते नमः भोलिया, धन गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति नारायण
श्रावण मास के पावन अवसर पे यात्रा के द्वितीय दिवस हम पावागढ़ के माता महाकाली के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ सभी यात्रियों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, जिसमें पोहे आलू वड़े बनाए जा रहे हैं हमारे मनोज भाई के द्वारा और उनके दिनेश भाई और उनकी टीम के द्वारा ये नाश्ता तैयार किया जा रहा है। माता जी के दर्शन करने बहुत अच्छा लगा। जय श्री माता जी। धारणी से आए हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय कृष्ण। आप पंधाना से? बिजली विभाग से रामचंद्र जी पटेल। आप खंडवा से? जेल रोड से। आप भी जेल रोड से हैं? जेल रोड से हैं। आप नागझिरी से हैं? इधर पटेल फैमिली सिरपुर से हैं और पटेल फैमिली कोधड़ से भी है हमारे साथ में। इधर पटेल फैमिली सिरपुर से काफ़ी बड़ा जत्थे के साथ, पटेल फैमिली पंधाना से हैं और हमारी आज माता राम भी साथ में हैं, मम्मी जी और हमारे आमोदे जी और हमारे व्यवस्थापक, इस यात्रा के प्रमुख, सारी व्यवस्था को देखने वाले जितेंद्र जी कुशवाहा। आज हमारे साथ में धारणी से हमारे भजन गायक सिंगा जी के बहुत प्रसिद्ध और हमारे इंजीनियर साहब जो कि नासिक से पधारे हैं, गोविंद जी पवार। उन्हीं के साइड में हमारे सपाटी के रूप में एक हेमंत जी शर्मा हैं, उन्हीं के साइड में चौहान आंटी है और एक धारनी वाली आंटी जी इधर से चलते आ रहे हैं थोड़े से धीरे धीरे। जय सोमनाथ। बुद्ध द्वारकाधीश भगवान की ऊपर 635 पेड़ी है। अच्छा, चढ़ने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई। दर्शन हुए? अच्छा, दर्शन अच्छे हो गए? हाँ, अच्छे हो गए दर्शन। 7 बजे 7:30 बजे वापस आ गए। बहुत माता जी की प्रतिमा देख के क्या लगा? फोटो भी लाए? कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं, फोटो भी लेके आए। जय माता जी। जय श्री कृष्णा। ये हमारी यात्रा के कुछ आमोदी जी हैं, ये हमारा एक परिवार है छोटा सा खंडवा का। हमारी माता राम जी हैं और ज्योति दीदी तिरोले हैं और हमारे खंडवा से हैं, दुबे कॉलोनी से। सभी जने बोले जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय हमारे जितिन जी कुशवाहा इधर। आप हमारे विशेष यात्रा के व्यवस्थापक हैं, आपकी क्या राय है इस व्यवस्था के बारे में, कैसा चल रहा है? अभी आज 2 दिन हुए हैं जी। आज 3रा दिन है। हमारा हम
पंधाना खंडवा से निकले। पहली रात्रि हमारी पावागढ़ में थी। दिन है सोमनाथ के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ व्यवस्था के नाम पर सबको बढ़िया व्यवस्थित कक्ष दिए गए हैं। प्रत्येक कक्ष में 5-5 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी और बड़ा अच्छा इस परिसर में दृश्य है। माँ चामुंडा के धाम में हम सब पधारे हैं। चोटीला माता के सब भक्तों ने दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ अल्पाहार ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे सोमनाथ के लिए। जय श्री सोमनाथ, जय द्वारकाधीश। हाँ तो वो उसको दिखा देना, जयवर्धन बहुत उत्साहित देखने के लिए। आज हम अभी हमारे बीच में इस अशोक जी सोनी धारणी से पधारे हैं और ये आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह का नाश्ता चल रहा है और आज के नाश्ते में पोहा, आलू बड़ा और सेव है। ये आज का सुबह का नाश्ता है माँ चोटीला के धाम में। हम सब भक्त यहाँ पधारे हैं। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है इस परिसर में। अच्छे रूम हैं, अच्छा सब कुछ, यहाँ वातावरण ठीक है। और आज के इस नाश्ते के बाद में तुरंत हम सब, नाश्ता भी बड़ा स्वादिष्ट है सभी भक्तों ने। हाँ अभी हम अशोक जी से बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है आज के इस यहाँ पर रुकने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा, बोलो तो चलेगा। अगर कोई ऐसी यात्रा निकलती है तो आप चलेंगे क्या? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, बार बार आएंगे। बहुत अच्छा लगा हमको तो। सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। अभी हम लोग आज सोमनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, बस यहाँ से 100 कदम की दूरी पर भगवान सोमनाथ का मंदिर है। और आज हमारे साथ में MP मध्य प्रदेश खंडवा से 125 भक्त लोग आए हैं। सभी भक्त अभी सोमनाथ का दर्शन करेंगे। सुबह सुबह आज हमने चोटीला माता में माँ चामुंडिका का दर्शन किया और उसके बाद में हम अभी सबसे पहले सोमनाथ जी का दर्शन करेंगे और इसके बाद समुद्र स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे। जय सोमनाथ जी। मम्मी मम्मी कहाँ है? जय द्वारकाधीश। आज खंडवा MP मध्य प्रदेश से हम 125 भक्तों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ है और सोमनाथ की पावन धरा से हम आप लोगों को लाइव दर्शन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का रास्ता है और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच इंदौर माँ अहिल्या की नगरी मध्य प्रदेश से भागवत कथाकार पंडित प्रेम मूर्ति श्री अभिषेकानंद जी महाराज जी पधारे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज जी से भी आप ज्योतिर्लिंग के बारे में लाइव दर्शन जाने और समझे। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथंच श्रीशैल मल्लिकार्जुनम।
उज्जैनियम महंकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वेदनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेश्वरम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनर सक्त जन्म कृतं पापं स्मरणीयेन विनश्यति। कहते हैं श्रावण मास भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय मास है और उस पवित्र पावन श्रावण मास में बाबा सोमनाथ की पावन भूमि गुजरात राज्य के सर्वप्रथम पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, जो कि समुद्र तट से बिल्कुल लगा हुआ है और जहाँ समुद्र तट के साथ में बाबा सोमनाथ विराजमान हैं वो पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर समस्त भक्तों को दर्शन दे करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले बाबा सोमनाथ के चरणों में महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा सोमनाथ संसार का कल्याण करें, इस कोविड महामारी में इतने लोगों का जन समुदाय भक्तों का समुदाय यहाँ पर दर्शन के लिए आया है, इन सब भक्तों का बाबा कल्याण करें। उसी कल्याण की भावना से खंडवा से पधारे हुए हमारे बीच पंडित मोहित शास्त्री जी और इनके माध्यम से हजारों की संख्या में लोग जहाँ पर धर्म यात्रा का आनंद लाभ प्राप्त करते हैं, उसी क्रम में आज सोमनाथ की पावन भूमि और यहाँ पर खंडवा मध्य प्रदेश से 125 भक्तों का समुदाय यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचा है और सोमनाथ महादेव इन सब के मनोरथ को पूर्ण करें। पंडित मोहित शास्त्री जी के मार्गदर्शन में माध्यम से सभी भक्तजन यहाँ पर सोमनाथ जी का दर्शन करने के साथ ही द्वारिका, वेट द्वारिका, मूल द्वारिका और उसी के साथ रुक्मणी मंदिर और इसी के साथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो सर्वप्रथम पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और दूसरा ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा श्रावण मास में कराना निश्चित ही बड़े ही सौभाग्य की बात है और उसी सौभाग्य के माध्यम से बाबा महादेव ने कृपा करी है और उस महादेव की कृपा से सोमनाथ और नागेश्वर और द्वारिका, वेट द्वारिका आदि सभी जगह का दर्शन लाभ प्राप्त किया जा रहा है। जय बाबा सोमनाथ। जो कि हम खंडवा से 1000 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, हमारे को गुरुदेव ने इतनी अच्छी यात्रा करवाई है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी हमारी यात्रा होगी। जय गुरुदेव। भगवान सोमनाथ जी के दर्शन किया है, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और साइड में ही समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है और सभी दर्शनार्थी हमारे साथ जो आए हुए हैं उन्होंने भी दर्शन किया और बहुत ही रूबरू दर्शन हुए हैं। जय बाबा सोमनाथ, जय हो। सुखद धार्मिक यात्रा का आज तीसरा दिन है
यहाँ सोमनाथ से हम सभी भक्तगण सोमनाथ में सोमनाथ भ्रमण शहर भ्रमण के लिए जो जो मंदिर यहाँ खास खास हैं उन मंदिरों को देखने के लिए सारे भक्तगण अपने द्वारा ऑटो से पंडित जी के द्वारा ऑटो करवा के भ्रमण कराया जा रहा है। जय श्री सोमनाथ। संगम है, सूर्य मंदिर है, फिर गणेश मंदिर है, राम मंदिर है, राम मंदिर है, इस प्रकार के जितने भी छोटे वाले छोटे बड़े जितने भी यहाँ पे धार्मिक स्थान हैं उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। बस सारे भक्तगण आज यहाँ से निकल रहे हैं, बस अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, कई दिनों बाद ऑटो में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अभी कुछ नाश्ता वास्ता मिला कि नहीं सुबह से? नहीं, नाश्ता अभी आके करेंगे, खाली पेट दर्शन करना है, जाके दर्शन पहले खाली पेट दर्शन किए जाएंगे। यात्रा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, रुकने रुकाने में नाइट हॉल्ट में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, सर्व सुविधा युक्त कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया धार्मिक कार्यक्रम है, बहुत शानदार। और इसी हिसाब से बढ़िया पंडित मोहित जी हमेशा ये काम करते रहे और हम हमेशा इनके साथ में बराबर सहयोग करते रहेंगे। मैं धारनी महाराष्ट्र से बता रहा हूँ, आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, अति आनंद आ रहा है। जय श्री सोमनाथ। आज हमारी इस यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन में आज हम सोमनाथ की भगवान सोमनाथ जी की धरती पर खड़े हैं और यहाँ के थोड़े जो साइट सीन हैं और अन्य मंदिर हैं आज उनके दर्शन के लिए हम सब निकलने वाले हैं। सारे यात्री टेम्पो में ऑटो में बैठ चुके हैं, यहाँ से हम निकलेंगे पूरा दर्शन करके और फिर उसके बाद में अल्पाहार करके यहाँ से हम सब जाने वाले हैं श्री द्वारकाधीश जी जो चार धाम में से एक धाम है और फिर वहाँ हम दो दिन रुकने वाले हैं, उसके बाद में हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जय महाकाल, जय श्री सोमनाथ।
भवन स्थित सोमनाथ में आज हम यह भालका तीर्थ नाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को शिकारियों ने 3 मार दिया था उसी दिन से आज तक वह तीर्थ के नाम से भालका तीर्थ के नाम से प्रचलित है। आप ये पीछे जो हमारे हैं भालका तीर्थ मंदिर, आप प्रतिमा का भी अंदर से दर्शन करेंगे। जय सोमनाथ। आज हमारी इस यात्रा का 4th दिवस है और हम यहाँ खड़े हैं त्रिवेणी संगम, इस स्थान का नाम है। हमारे सारे यात्री यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ स्थानीय हमारे जो यहाँ के अर्चक पुरोहित हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्थान का महत्व क्या है, थोड़ा आप समझाएँ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम है कमलेश पाठक, मैं यहाँ प्रभास तीर्थ का पुरोहित हूँ। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो त्रिवेणी संगम जो स्थान है इसका महत्व क्या है, यहाँ की कथा क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम सभी दर्शनार्थियों को जानकारी चाहिए कि आप थोड़ा हमें बताने का प्रयास करें। ये हमारा सौभाग्य होगा कि इतने दूर से आप लोग यहाँ पर इस तीर्थ का महिमा सुनकर आए हैं। दरअसल में ये वैदिक सरस्वती का अंतिम पड़ाव है कि बद्रीनाथ चारों धाम में जो केदारनाथ है वहाँ से वैदिक सरस्वती का प्रवाह शुरू होकर यहाँ प्रभास में आके समुद्र से संगम करता है। सिर्फ हिंदुस्तान में 5 ही जगहों पर आज आप देख सकते हैं कि वैदिक सरस्वती का प्रवाह आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 5वां अंतिम पड़ाव यहाँ पर प्रभास में है। रही बात शास्त्रों के संदर्भ की, तो ऋग्वेद में ये सरस्वती का उल्लेख है भगवान सोमनाथ के साथ। यत्र सोमेश्वरो देव तत्र माम कृतम बुद्धि इंद्रा इंद्र परिश्रुव, इस प्रकार का ऋचा ऋग्वेद से आपको प्राप्त होती है। यजुर्वेद में और भी बहुत सारे मंत्र हैं सरस्वती के लिए, प्रभास के लिए। पंच नद्यः सरस्वती मपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भवत् सरित, बाकी तो ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएँ सरस्वती के लिए है। रही बात ये तीर्थ का महात्म्य की, इस तीर्थ का नाम है प्रभास तीर्थ। आज ये दुर्भाग्य है कि लोग सोमनाथ को जानते हैं लेकिन तीर्थ को नहीं जानते। प्रभा यत्र वर्तते इति प्रभास, जिस स्थान में तेज माने प्रभा है उस स्थान को प्रभास कहा जाता है। प्रभा किस प्रजा से यहाँ पर आई? याज्ञवल्क्य मुनि जो शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपने गुरु वैशंपायन जी से आज्ञा पर जो पढ़ा हुआ था वो सारा ज्ञान निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाऊंगा लेकिन फिर भी वेद वेदिया प्राप्त करूंगा। तो याज्ञवल्क्य उन्हें प्रभास में आए, उन्होंने सूर्य की उपासना की और यहाँ सूर्य के प्रसाद से उनको शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त हुआ, ये प्रभास तीर्थ है। दूसरी बात, वैशेषिक सूत्र के प्रणयिता महामुनि कणाद ऋषि, जो एटमिक थियरी आज बोलते हैं ना, वो एटमिक थियरी के प्रणेता महर्षि कणाद ऋषि प्रभास में संपन्न हुए, वो यहाँ पर पैदा हुए। आज हम कश्मीर का शैवाइज्म बोलते हैं तो उनके समांतर का जो एक शैववाद है जिसे हम क्या बोलते हैं शैवाइटी, तो उसका एक और संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, उनका प्रादुर्भाव प्रभास से हुआ। और बात,
भगवान कृष्ण आज पूरे हिंदुस्तान में घूमे, लेकिन जब उनको लगा कि अब मेरी गोलोक धाम जाने का समय आ गया है, मेरे यादव परिवार को मुक्ति देनी है, तो न खांडव वन गए, न हस्तिनापुर गए, न कुरुक्षेत्र गए, न द्वारिका में रहे। वो अपने इस पूरे यादव परिवार के साथ यहाँ प्रभास में आए और सारे यादव परिवार को यहाँ पर मुक्ति दी। और भी बात है, वो बात ये है कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान चंद्रदेव को अपने ससुर जी दक्ष महाराज का शाप लगा कि वो अपने पत्नियों से मतभेद करते हैं, तो शाप के निवारण के लिए, क्षय दोष के निवारण के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में केवल प्रभास को चुना था। उनके प्रसाद से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आप यहाँ पर मेरे नाम से एक शिवलिंग स्थापित करो। वो चंद्रदेव ने जो आद्य काल में पूरा काल में जो शिवलिंग स्थापित किया उनका नाम सोमनाथ हुआ। और एक बहुत कम लोग जो जानते हैं वो बात ये है कि भगवान सूर्य नारायण की अपनी जो तेज थी, उन तेज को अपनी पत्नी संगना देवी झेल नहीं पाती थी, तो उस हिसाब से भगवान सूर्य नारायण ने अपनी बार कलाओं का, तेजों का विभाजन किया, उनमें दो कला प्रभास में छोड़ी थी। आज भी आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, आपको 12 शिवलिंग सूर्य मंदिर नहीं मिलेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं के समय सारे तीर्थों को, सूर्य मंदिर को नष्ट कर दिया गया, लेकिन आज भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। वहाँ पर सूर्य की पूजा नहीं होती, प्रतिमा नहीं है, लेकिन सूर्य मंदिर के अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। वो 12 सूर्य मंदिर किस लिए थे? अब हम सब हिंदू लोग जानते हैं कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के वैदिक नाम है, वैदिक नाम के आधार पर 6 ऋतुओं का विभाजन किया गया, 2 अयनकार विभाजन हुआ, दक्षिणायन उत्तरायण। उस सारे बाबतों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस धरती पर 12 अलग अलग शिवलिंग प्रभास गांव में थे। आप भी कभी भी आओ, अवकाश प्राप्त हो। आज तो बहुत सारी जगहों पे विधर्मियों का कब्जा भी है और उनकी मस्जिदें भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, हमें इतनी अच्छी विस्तृत जानकारी दी, इसलिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे यात्रीगण भी जो हैं, हम आपका पूरा इस पे टीवी चैनल पे दिखाएंगे, और हम पूरे जहां भी ये जाने वाला है, ये पूरा यात्रा का हमारा वीडियो, ये सभी आप सभी जाने, और यहां का जो स्थानीय जो महत्व है, उस महत्व के कारण, मतलब आज जैसे पंडित जी ने बताया कि सोमनाथ जी को जानते हैं पर तीर्थ को नहीं जानते, इसलिए ये जो अंदर की जो गुण रहस्य है वो हम सभी को जानना अति आवश्यक है और सारे समाज को जानना अति आवश्यक है। तो आज की हमारी इस यात्रा के लिए अभी यहाँ पर जो प्रभास क्षेत्र में हम खड़े हैं और अब हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय सोमनाथ। कृष्ण कृष्ण हरे।
जय सोमनाथ, जय द्वारकाधीश। आज हम गुजरात सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, अभी अभी हमने त्रिवेणी संगम का सभी लोगों ने दर्शन किया। हमारी यात्रा का चतुर्थ दिवस, जिसमें कल हमने चोटिला माता से सोमनाथ के लिए प्रस्थान किया था और कल रात को आप सभी लोगों ने भगवान सोमनाथ जी का दर्शन किया और आज सुबह से हम स्वल्पाहार करके प्रस्थान किए हैं। तो अभी हमने त्रिवेणी संगम में सभी लोगों का दर्शन कराया, आप सभी लोगों ने भी दर्शन किया और हम इस क्षेत्र का सबसे महत्व स्थान जहाँ से भगवान गोलोक धाम को गए थे, यहाँ पर भगवान ने अपनी सारी लीलाओं का संवर्धन कर दिया और भगवान श्री बैकुंठ धाम को गए, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे बीच में आए इंदौर से प्रेम मूर्ति अभिषेकानंद जी महाराज हैं, आप इनसे थोड़ा सा विस्तृत जानकारी। जय श्री कृष्ण। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं चारों धामों की यात्रा जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है, मोक्ष प्रदान करती है। उन्हीं चारों धामों की पावन श्रृंखला से एक द्वारिका क्षेत्र, जिसे प्रवास क्षेत्र कहा जाता है। द्वारिका से सोमनाथ तक का पूरा क्षेत्र जो है प्रवासक क्षेत्र माना जाता है और उसी प्रवास क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ भगवान अपनी अनेक लीलाओं को करते हुए संपूर्ण द्वारिका के जो राजा थे, लेकिन यहाँ सोमनाथ आकर के भगवान ने इस भालका तीर्थ क्षेत्र से, प्रवास क्षेत्र से, ये जो पावन भूमि है गीता मंदिर, जहाँ जिस गीता मंदिर में ये आप देख रहे हैं पीछे जो भगवान की चरण पादुका है, कहते हैं यहाँ पर 3 बार परिक्रमा करने से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने वाला यह परम पावन पवित्र स्थान है और जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, दर्शन कर पा रहे हैं। ये हिरण नदी है, इसके उधर जब देखेंगे तो कावेरी नदी है और उसी के बाद में सरस्वती नदी है। इस प्रकार से तीनों नदियों का ये पावन संगम है जहाँ पर भगवान आकर के अपनी लीलाओं को विराम यहाँ पर भगवान ने किया और यहीं से भगवान आकाश और पाताल होकर के भगवान सीधे गोलोक धाम को यहाँ से पधारे थे। पीछे की ओर चरण पादुका जो है, जिसका दर्शन आप सभी ने किया, इस स्थान का बड़ा ही विशेष महत्व है और ऐसा ये पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर आकर के व्यक्ति को जीवन में मोक्ष के साथ साथ जीवन में आनंद का अनुभव होता है और आनंद और प्रेम का मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने प्रशस्त किया था, उन्हीं के पावन चरणों का दर्शन आप हम सभी ने किया और यात्रा के आज चतुर्थ दिवस में त्रिवेणी संगम, चरण पादुका, गीता मंदिर, सोमेश्वर महादेव, भगवान सोमनाथ महादेव का दर्शन, चूँकि श्रावण मास परम पवित्र पावन मास है और महादेव का अत्यंत प्रिय ये मास होता है, जिस श्रावण मास में हम सभी भक्तजनों के साथ में खंडवा से पधारी हुई मंडली यहाँ पर दर्शन कर रही है और दर्शन लाभ लेने के साथ ही द्वारिका की ओर यहाँ से प्रस्थान, रुद्राभिषेक करके और यहाँ से द्वारिका की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। Peace.
सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। इसी युक्ति के साथ गुजरात पोरबंदर की यह पावन भूमि जिसे सुदामापुरी के नाम से जानते हैं, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि सुदामा जी के बचपन के मित्र थे और सुदामा जी इस पोरबंदर यही सुदामापुरी से इसी पोरबंदर नगरी से उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तब सुदामा जी की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हुई और जब श्री कृष्ण से मित्रता हुई तो श्री कृष्ण उज्जैन सांदीपनी गुरु जी के यहाँ से पढ़कर सीधे मथुरा गए और मथुरा पर जब आक्रमण हुआ जरासंध ने आक्रमण किया, कालियवन ने आक्रमण किया और अंतिम कालियवन ने आक्रमण जब किया तब भगवान निहत्थे सभी द्वारिका सभी मथुरा में सभी यदुवंशियों को भगवान ने योग माया को आदेश देकर के द्वारिका भेजा और द्वारिका में विश्वकर्मा का महल बना करके सभी को द्वारिका भेज करके भगवान सीधे खुद मथुरा से द्वारिकापुरी आ गए थे। और जब द्वारिकापुरी भगवान आए थे तब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुशीला के कहने पर, जो कि सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, उनके कहने पर इसी पोरबंदर की पावन भूमि से सुदामापुरी से द्वारिका गए थे। आज खंडवा मध्य प्रदेश से हम लगभग 125 यात्री यहाँ पर इस स्थान का पावन दर्शन करने के लिए आए हैं और इस स्थान का दर्शन करने के साथ ही यहाँ पर ये पीछे जो आप देख रहे हैं 84 परिक्रमा, जिस प्रकार से कहा है कि मनुष्य जीवन जब प्राप्त होता है तो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, उन 84 लाख योनियों में अगर मनुष्य का जीवन हमें मिला है और उस मनुष्य जीवन में अगर एक बार आकर के सुदामा जी के इस दिव्य दरबार में आकर के इस 84 लाख परिक्रमा 84 कोस ये जो परिक्रमा है लख 84 की इस परिक्रमा का अगर चक्कर लगाते हैं तो निश्चित 84 से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है और भागवत में ही वर्णन आता है। तो यह पावन स्थान का हम आप सभी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
सुदामा जी को मिलने के लिए आए तो तीन मुट्ठी चावल का पोटली ले आए थे, द्वारपाल ने चढ़ने नहीं दिया तो श्री कृष्ण भगवान के सैनिक ने उसको यहाँ रोक दिया। भगवान सीढ़ी उतर कर नीचे मिलने आए। ये कृष्ण और सुदामा जी का भूमि है, वो पोस्टर के अंदर में आप देख सकते हैं, कृष्ण रुक्मिणी ने सुदामा जी का पैर धोया। तो आप जो भी भक्त चावल ले आए हैं वो अंदर में जाकर भगवान के चरणों में चावल छोड़ना है, पोटली छोड़ना है, नहीं ले आए तो भी जाके अंदर दर्शन करना है, हाथ लगाना है, उसके बाद अपना मोबाइल कैमरा थैली वगैरह पूजा का कोई भी सामान वो ऊपर सीढ़ी चढ़कर सुदामा जी का मंदिर वहाँ पारी के ऊपर भी अपना सामान एक साथ ग्रुप में छोड़ना है। और उसके बाद हम लोग भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने के बाद सामान लेकर फिर मैया गोमती पे जाएंगे, वहाँ आपको पूजा का जो भी सामान का उपयोग करना हो कर सकते हैं। मंदिर के अंदर में पर्स मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। तो द्वारका में आए, द्वारका जिसके अंदर में अभी कोई भीड़ नहीं है, जैसे हम नीचे आएंगे ना यह चक्का जाम हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग धीरे धीरे भगवान के चरणों में जाइए, चरण स्पर्श कीजिए और उसके बाद अपना सामान वो कोने में रख दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम, बोलिए सभी लोग ताली बजाते राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले एवं इंदौर से लगभग 125 यात्रियों के साथ भगवान उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी से भी 125 यात्रियों के साथ भगवान द्वारिकाधीश की इस पावन भूमि में यह हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जिनको बुलाते हैं, बिहारी जी की जिनके ऊपर कृपा होती है, द्वारिकाधीश की जिनके ऊपर कृपा होती है, वही द्वारिका धाम की इस पावन भूमि में आ पाते हैं। और यह हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि इस पावन श्रावण मास में उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी, इंदौर माँ अहिल्या की पावन नगरी और खंडवा दादाजी धुनी वाले की पावन नगरी से हम सब यहाँ पर द्वारिका की पावन भूमि में पहुँचे हैं और भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करके कृतार्थ हुए हैं। कहते हैं द्वारिका आने से, द्वारिका जाने से ही दरिद्र दूर हो जाता है, क्योंकि द्वारिका के जो नाथ हैं वो अनाथों के नाथ हैं। तो ऐसे दीनबंधु दीनानाथ द्वारिकाधीश जिनका दर्शन करके हम सभी का मानव जीवन कृतार्थ हुआ है। और सौभाग्य ये रहा है कि 2014 में यहाँ पर लगभग 225 यात्रियों के साथ में आकर के श्रीमद् भागवत के साथ में, और आज 2014 के बाद में 2021 में लगभग 225 यात्रियों के साथ यहाँ पर आगमन निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है। भगवान द्वारिकाधीश की कृपा पूरे संसार के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अमृतवाणी टीवी चैनल की ओर से सभी को जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे अधीश के दर्शन करने यहाँ गोमती मैया में दीपदान कराए। हमारे साथ इंदौर से संजय पारिख जी हैं। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगा इंदौर वासी का देशवासी को कोरोना से मुक्त करें, मैं यही प्रभु भगवान से प्रार्थना करूँगा। ग्राम धनोरा से आए हैं घूमने फिरने के, हमारी यात्रा बहुत बढ़िया सफल रही, गोमती मैया के दर्शन कर रहे। द्वारिकाधीश जय श्री कृष्णा। आज हमारी यात्रा का पंचम दिवस है, जिसमें हम आज गुजरात शहर के द्वारिकाधीश नगरी में, जो कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवास करते थे, उस जगह पर हम आज चार धामों में से एक धाम जहाँ पर कि हम यहाँ पर बैठे हैं और सारे 125 भक्तों के साथ हम यहाँ पर आज दर्शन करने के लिए आए हैं। चार धामों में से एक धाम द्वारिकाधीश धाम है और यह आप पीछे जो शिखर देख रहे हैं, यह
उसी मंदिर का शिखर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश जहाँ पर स्वयं द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया था। अभी हम वहाँ जा कर के वह सुदामा जी जहाँ पर बैठते थे और जिस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बिठा दिया और सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों के जल से अश्रु की धार बहा करके इसे सुदामा भक्त के चरणों का प्रक्षालन किया। अंदर जाकर के आज हम उनका भी आप सभी लोगों को दर्शन कराएंगे। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। कहाँ से पधारे हैं? गुजरात अहमदाबाद से। मैं MP, जय श्री महाकाल। अच्छा, कब पधारे? कल रात को। कैसा फील कर रहे हैं द्वारकाधीश का? काफी आनंद महसूस कर रहे हैं और भगवान द्वारकाधीश की नगरी में आके काफी अच्छा लगा और एक आनंद की अनुभूति हो रही है अंदर से। अच्छा, आगे कहाँ जाने वाले हैं? अभी भेंट द्वारका जाएंगे, उसके बाद आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। अच्छा, नाश्ता वगैरह भोजन हुआ या नहीं हुआ? दर्शन के पश्चात ही भोजन किया जाएगा। ठीक है, जय द्वारका। जय द्वारका। जय द्वारका। जय द्वारकाधीश। आज द्वारकाधीश की पावन धरा पर हम सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं और आज भगवान के सौम्य दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके हम सब का मन तृप्त हुआ और आप देख सकते हैं इतना भव्य विशाल मंदिर जो 5,000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में जो नक्काशी कलाकारी जो की गई है अकल्पनीय अद्भुत है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि दिन में 5 ध्वजा चढ़ती है, किसी की बुकिंग रहती है, 5 ध्वजा बदलती है और अभी 2024 तक की इस ध्वजा की बुकिंग है, उसके बाद में ही कोई अगर ध्वजा चढ़ाना चाहेगा वो चढ़ा सकता है। और आज के इस दर्शन लाभ के बाद में मन बड़ा तृप्त है और ऐसा लगा कि हम भगवान भारत के अंदर हमारे चारों धामों के बीच में एक धाम में आज यहाँ दर्शन के लिए आए थे और अकल्पनीय जो हमने मंदिर का दर्शन और इस प्रकार से यहाँ का जो वातावरण है वो देखा, पास में समुद्र है उसका भी दर्शन किया, सामने गोमती नदी है उसका भी दर्शन किया। यह सब हमारे चारों धामों की एक परंपरा के अनुसार यहाँ भी उसी प्रकार से चलता आ रहा है। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और बड़ा ही मन प्रसन्न है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था भगवान द्वारकाधीश का। चारों धामों में से एक धाम है द्वारकाधीश, बहुत ही सुंदर। इसके बाद हमने धर्मशाला में
बहुत ही सुंदर भोजन भी किया, सभी यात्रीगणों ने भोजन किया। इसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे नागेश्वर आज, और भोजन भी बहुत बढ़िया रहा, सभी अभी भोजन भी कर रहे हैं सभी यात्रीगण। इसके बाद हम भोजन के बाद नागेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। आज नागपंचमी का बहुत ही बड़ा त्यौहार है और आज हम भगवान नागेश्वर के दर्शन करेंगे। जय द्वारकाधीश, जय श्री राम। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री नागेश्वर महादेव की जय। आज अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से, चूँकि अमृतवाणी टीवी चैनल हमेशा धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत धर्म के आयोजनों को अपने टीवी के माध्यम से जन समुदाय को, भक्तों को दिखाते आया है, और उसी श्रृंखला में आज खंडवा से एक धर्म यात्रा के माध्यम से पंडित श्री मोहित शास्त्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में लगभग 125 यात्रियों का जत्था भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद नागेश्वर के पावन ज्योतिर्लिंग में पहुंचा है। और आज नागपंचमी का पावन पर्व है। कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, और मोक्ष के साथ साथ व्यक्ति के जीवन का कल्याण भी होता है, क्योंकि शिव कल्याण के देवता हैं और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उसी क्रम में हमारे बीच में पंडित मोहित शास्त्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि आज वो समस्त खंडवा से भक्तों को लेकर के यहाँ आए हैं, तो उनको किस प्रकार से अपने अंदर अनुभूति हो रही है और क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, और उनके जो साथ में भक्तजन आए हैं उनको क्या यात्रा का क्या अनुभव हो रहा है, ये अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से हमारे मोहित शास्त्री जी हम सबको बताएंगे। जय सोमनाथ, जय द्वारकाधीश। जैसे महाराज जी ने बताया, भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। फिर यह सत्संग का विषय भी है, दर्शन का विषय भी है, लेकिन आज सौभाग्य नहीं है, हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि आज सावन मास में नागपंचमी का ऐसा दिन मिला, और ऐसे नागपंचमी के पावन दिन हमें भगवान श्री नागेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये तो बहुत अति उत्तम बात है कि 125, और यह बता सकते हैं कि आज तक 12 ज्योतिर्लिंगों के हमने दर्शन किए, लेकिन इतना अच्छा दर्शन आज तक कभी किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं हुआ, जो कि आज हम अनुभव कर रहे हैं कि भगवान को स्वयं हमने हाथों से स्पर्श किया। और आप सभी लोगों ने भी अभी देखा होगा इस वीडियो में कि भगवान का लाइव दर्शन आप भी घर से कर रहे हैं। यह यात्रा का आज हमारा 6ष्टम दिवस था, और 6ष्टम दिवस का सबसे बढ़िया दिन रहा। सुबह से हमने आज नागपंचमी के पावन अवसर पर ही
चार धामों में से एक धाम द्वारिका धाम का दर्शन किया और उसी के बाद आज नागपंचमी के पावन दिन ही ऐसे नागेश्वर महादेव मंदिर में हमने भगवान का आज दर्शन किया दारुकावन में, और इसके बाद आगे रुक्मणी मंदिर और गोपी तलाई भेड़ द्वारिका के लिए प्रस्थान करना है। आप सभी भक्त एक बार अवश्य पुनः भगवान श्री महादेव का दर्शन करें। जय श्री पार्वते पते हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन करने जाओगे सामने राधा कृष्ण विष्णु भगवान का मान है गुरु जी, ये भगवान के गुण गुरु दुर्वासा ऋषि, ये कृष्ण भगवान नीचे नीचे सुदामा जी को अपने सिंहासन के ऊपर बिठाया। भेंट द्वारका में कृष्ण भगवान और सुदामा जी का मिलन हुआ था, ये भेंट द्वारका का दर्शन है। ये शांतिपनी ऋषि उज्जैन में जिनका आश्रम है, कृष्ण भगवान और सुदामा जी को बड़ाई कराया था। स्वामी नारायण गाँव में कार के ऊपर बैठ के महाप्रभु जी तपस्या करते थे, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि भेंट द्वार के पहाड़ के नीचे जो मूर्ति है वो मूर्ति को बाहर निकाल के भेंट द्वार का मुख्य मंदिर में स्थापित करना है। आप जो भेंट द्वार का में दर्शन करोगे ये वही मूर्ति है। ये शंकासुर नाम का राक्षस है, ब्रह्मा जी का चार वेद का चोरी करके भेंट द्वार का सम तालाब में छुप गया था, तब कृष्ण भगवान ने मत्स्य अवतार लेके शंकासुर नाम के राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी के चार वेद को छुड़ाया था। करना 2 मिनट शांति बना के रखना, तालाब बंद नहीं होता है, मंदिर का समय समय का दर्शन है, मंदिर बंद होता है, तालाब बंद नहीं होता है। सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र जो श्रीमद् भागवत में बताए, ये लक्ष्मी नारायण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया कि मेरे समान धनुर्धारी और शक्तिशाली पूरा विश्व में कोई है नहीं। अर्जुन का अभिमान दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने एक लीला रचा, अर्जुन को कहा कि गोपियों को भेंट द्वारका से लेके मथुरा छोड़ने जाना है, रास्ते में ये तालाब देखा तो सारी गोपियां तालाब में स्नान करने के लिए कूद पड़ी, तब कृष्ण लोगों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, अर्जुन ने अपना इसीलिए भील लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन को लूटा हुआ देख के गोपियों ने लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, तब लक्ष्मी नारायण भगवान भोजन करते थे, भोजन छोड़ के तालाब के ऊपर प्रकट हुए और सभी गोपियों को तालाब के अंदर मोक्ष दिया, कृष्ण करके सारी गोपियां तालाब के अंदर समा गई, इसीलिए गोपी तालाब नाम पड़ा। तालाब में से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी को कहते हैं गोपी चंदन, यात्री यहाँ से प्रसाद के रूप में गोपी चंदन अपने घर ले जाते हैं। आने वाले सब यात्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार में से जितने भी लोग गुजर जाते हैं वो यात्री अपने पितृदेव के नाम से इच्छा है श्रद्धा है मन माने वो यात्री लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान ने भोजन छोड़ के गोपियों को मोक्ष दिया था, इसीलिए यहाँ भोग लगाने का महिमा है। एक दिन में लक्ष्मी नारायण भगवान को 3 बारी भोग लगता है, सबसे पहला दूध का भोग लगता है, दोपहर एक दिन का दिनों दिन भोग लगाते हैं तो 100 रुपया लगता है, कोई यात्री दोपहर का रात भोग लगाते हैं तो 50 रुपया लगता है और कोई यात्री दर्शन करने भगा नहीं लगा। वस्त्र खराब हो रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
हरे 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 कृष्ण
नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जो सब लोग यहाँ से आए बैठे हैं, ये पवित्र पुण्य पवित्र जगह है, देवा बाबा की जगह है। ये यहाँ देवा बाबा की समाधि स्थल है। ये स्थल देख रहे हैं वो देवा बाबा की समाधि स्थल है। यहाँ बाबा ने 550 साल तक बैठकर तपस्या की थी। ये जगह है वो, कि जब अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है, विश्व में, पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है, ऐसी बड़ी बीमारी आ गई कोरोना की कि सारा विश्व इसमें आ गया। वो 550 साल पहले ऐसे रोग आया था, उसका नाम था मरकी का रोग, रोग का नाम था। ये कोरोना जैसा ही था, उसमें गांव के गांव लोग सारे लोग मर जाते थे। तब बाबा ने यहाँ बैठ के उसके जगत को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए यहाँ बैठ कर भजन किया, तप किया, और तप करने से उसका पूरा शरीर यहाँ समा गया इस जगह में। 550 साल तक बाबा ने यहाँ तप किया देवा बाबा ने, और वो सूर्यवंशी है, वो क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं, और यहाँ बैठ के उसने तप किया जगत के लिए, अपने लिए नहीं किया कुछ। और उसके पुण्य प्रताप के द्वारा आज पूरा जगत, यहाँ जो भी आता है उसकी सर्व, हर कोई की मनोकामना पूर्ण होती है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जीवन का, कोई भी XYZ कोई भी तकलीफ हो, बाबा के पास सामने आते हैं, और यहाँ की रीत के प्रमाण से, यहाँ की रीत मुजब आप बाबा से मांगेंगे और पूछेंगे, फिर आपको बाबा को पूछना पड़ेगा, वो फिर मांगना पड़ेगा, और फिर आपका काम बाबा की दया से हो जाता है। ये देवा बाबा का महत्वता है यहाँ, क्योंकि बाबा ने कितने काम किए हैं वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है कि अशित गिरीशम सियात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरोवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि कृतवा शारदा सर्वकालम तदपि तवे गुणानामिष पारम ना याति। भगवान के गुणों का पार नहीं पार सकते, ऐसे देवा बाबा के गुणों का पार नहीं कह पार सकते। भगवान भी नहीं कह सकते तो मैं कैसे कह सकता, मैं तो इंसान हूँ। तो ऐसे देवा बाबा का गुण है, और यहाँ मांगने से हमारी हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। लेकिन जो मांगते हैं वो याद रख के फिर यहाँ कहने आना पड़ता है, वो आपकी जवाबदारी पे आना पड़ता है, कि अगर काम हो जाए तो फिर यहाँ माथा टेकना आना पड़ेगा, फर्जियात है वो, तो ही मांग सकते हैं आप बाबा के पास। क्योंकि अगर दूर से आते हैं तो आप बोल के चले जाएंगे बाबा के पास कि बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, और बाबा की दया से मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर कहने आना पड़ेगा। अगर नहीं कहने आएगा तो हमारे पास धर्म के ऋण चढ़ जाता है, हमारे पर, हमारे सिर पर धर्म का ऋण आता है, तो वो ऋण आना नहीं चाहिए। काम हो जाए तो माथा टेकना आना पड़ेगा, तो ही मांग सकते हो आप।
तो ही भाग सकते हो। ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर का प्रॉब्लम हो, बॉडी का हो, या बच्चे का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देवा बापा ये देने के लिए बैठे हैं। उसका नाम है, ऐसा गुण है इसका। ये देवा बाबा की पुण्य जगह पे आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। बोलो देवा बापा नी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण इस यात्रा का छठवां दिन है और हम देख रहे हैं माँ चोटीला के धाम के पहले 10 किलोमीटर पहले एक नाग मंदिर है और उस नाग मंदिर में हमारा यहाँ पर भोजन बन रहा है। भजिया बना रहे हैं अभी गरम गरम और सब्जी बना दी अभी पूरी गरम गरम निकालना है और सबको गरम गरम खिलाना है। इस यात्रा के कुछ यात्री भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में दिनेश भैया और मनोज भैया की जो स्वादिष्ट भोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जैसे कि हम लोग अक्सर घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं लेकिन एक लेडीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात रहती है कि वो बना बना कर खुद बोर हो जाती है लेकिन वो चाहती है कि किसी अदर इंसान के हाथ का खाए। और जैसे हमने यहाँ पर हमारे दिनेश भाई तो बहुत अच्छा बनाते बनाते लेकिन मैंने इस यात्रा में एक चीज़ ऐसी खाई है जो मैं कभी नहीं भूल सकती और वो है भिंडी की सब्जी जो हमारे मनोज भैया ने बनाई है। वो हमने पहली बार खाई और हम जाते समय उनसे रेसिपी लिख कर ले जाएंगे और हम घर जाके बनाएंगे पर हमें लगता है कि हम उतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे जितना हमने खाई है ये। और बाकी दीदी आप बताइए। मैं तो इन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी जो इतना अच्छा खाना खिलाते हैं सभी यात्रियों को, उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और हमेशा ये मतलब वो करती हूँ उम्मीद कि हमेशा यात्रा में ये सब चलें और हमेशा हमारी यात्रा सुखद सफल और अच्छी रहे।
ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान है कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर स्वयंभूलिंग है, यह कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर सावन मास में महासवारियाँ निकलती है, महाश्रृंगार होता है, छप्पन भोग लगाया जाता है और कल महासवारी निकलेगी संध्याकालीन 4 बजे करीबन। सभी श्रद्धालुगण दर्शन का लाभ ले रहे हैं एवं कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन।